नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089 7523 8445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। RORO पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे कोर्सेज में देखिए एडमिशन अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए प्लीज। कहा गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है, तो विश्व का जो है ये देखेंगे सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9000 किलोमीटर से ज़्यादा का, ठीक है, और रशिया में स्थित है। विकल्प डी को चुनेंगे। रशिया के अंदर देखेंगे तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लाडिवोस्तोक के बीच में, ठीक है, ये पूरा रेलवे लाइन है। इस प्रश्न का उत्तर अभी जस्ट आपको बताया गया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। बाकी के जो और यहाँ पे देखिए जो अन्य ऑप्शंस में लिखे हैं इनके बारे में भी हो सके तो पढ़िएगा। बिग ट्रंक रूट है ना, एक ये टर्म है बेसिकली, किसको कहा जाता है या ये कहाँ से होकर के गुजरता है, तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो रीजन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैप में देख लीजिएगा इसको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ US जो है और ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप है ना, इनके मध्य जो है मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट से होता है अटलांटिक से होते हुए, ठीक है। तो जो है लगभग 1/4 वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड जो है इस रूट पे होता है, तो यहाँ पे इस वजह से ये जो टर्म है इसको रेफर किया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही घटता हुआ क्रम जो है कौन सा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा महासागर विश्व में कौन सा है आपका, पैसिफिक, ठीक है, तो पैसिफिक के बाद सेकंड है अटलांटिक है ना, और उसके बाद हो जाएगा आर्कटिक, फिर इंडियन, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इंडियन फिर आर्कटिक होगा, तो बी विकल्प को चुनेंगे हम। इसमें से किस वर्ष में स्वेज नहर को खोला गया और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो बम्बई या मुंबई इंडिया का हिस्सा है उसके लिंक को और मजबूत किया, तो देखेंगे ट्रेड से ही सारी कहानी शुरू हुई जो यूरोपियन का इंडिया में आना हुआ, ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे होता क्या था कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो था उसको इधर से पूरा क्रॉस करके तब इंडिया आना होता था, ठीक, तो रूट काफ़ी लंबा था। तो यहाँ पे देखेंगे ये भूमध्य सागर और जो लाल सागर के बीच देखेंगे मिस्र के उत्तरी हिस्से में स्वेज कैनाल को यहाँ पे बनाया गया इन दोनों को कनेक्ट करते हुए, तो अब इधर से ही लोग आ जाते थे इंडिया, ठीक, तो यहाँ पे ट्रेड जो था अब उस रीजन के साथ मजबूत हुआ, ठीक। तो ये स्वेज कैनाल को किस वर्ष में बनाया गया वही पूछा गया, तो ये ईयर ऑफ जो कह लीजिए ओपनिंग है 1869। नेक्स्ट है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, वो पनामा कैनाल भी एक फेमस है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा भी और मैप में भी इसको देखें, तो सेंट्रल US को जो है चूज़ करेंगे हम। बेसिकली ये जो है ऐसे देखिए तो ईस्टर्न साइड में अटलांटिक महासागर और वेस्ट में पैसिफिक जो है इसको जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन इनको मैप में लोकेट कर लीजिए वहीं से थोड़ा आइडिया लगेगा इसके बारे में। एक फेमस स्टेटमेंट है कि किसको प्रशांत का प्रवेश द्वार गेटवे टू द पैसिफिक ओशन कहा जाता है, तो ये पनामा कैनाल ही है, विकल्प डी। नेक्स्ट है सही कथन को चुनना है, तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया है कि तेल नदी गोदावरी की सहायक नदी है और इंद्रावती नदी महानदी की सहायक है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हैं और यहाँ पे दो के दोनों ही गलत हैं, ठीक, डी विकल्प को चुनेंगे। तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक है, एक शॉर्ट ट्रिक जैसे कि मैंने जब पहली बार पढ़ा था इसको तो बनाया था कि महान लोग तेल लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं। और इंद्रावती की बात करें अगर तो ये महानदी जो है सॉरी गोदावरी की सहायक हो जाएगी, ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा दोनों को। इसमें देखें ट्रिब्यूटरीज फिर से देखना है कृष्णा रिवर का, तो ट्रिब्यूटरीज को याद करते समय जो है इसका मैप देखा करिए, ठीक है, कि कौन सी मेन रिवर है और ट्रिब्यूटरीज किस राज्य में है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उसी क्रम में कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें भीमा, मूसी और कोयना, ठीक है। यहाँ पे जो शिवनाथ और हस्तदेव है ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसमें 3, 4, 5 को चुनिए। इसमें से
कौन सी परियोजना भारतीय नदी जोड़ो परियोजना के प्रायद्वीपीय घटक का हिस्सा है। ठीक, तो जैसे रिवर लिंकिंग में एक आप ये देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया जो है, यहाँ की जो रिवर्स हैं उनकी लिंकिंग का प्रोजेक्ट, और दूसरा इधर देखिए हिमालयन जो रिवर्स हैं उसके लिंकिंग का प्रोजेक्ट। तो इसमें से हिमालयन प्रोजेक्ट है ये जोगी घोपा तीस्ता फरक्का रिवर्स जो ये वेस्ट बंगाल के रीजन में है, इनको लिंक करने का। ठीक, पोलावरम और ये अलमट्टी ये जो है ये दोनों सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया की हैं, और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से लगभग 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो लिस्ट हो सके तो इसकी एक बार देखिए, इसमें देखें कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एक टर्म होता है जिसमें मुख्य रूप से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन्स या ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो। तो भारत में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे अब यहाँ पे देखें मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया, मदुरई कोयम्बटूर बैंगलोर ये भी काफ़ी फेमस है, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, परंतु दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर में काउंट नहीं होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पहले और दूसरे को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उच्चतम विकास दर देखी गई। तो जो फाइव ईयर प्लान्स होते थे उसके कुछ जो कह लीजिए 5 साल में ग्रोथ रेट जीडीपी के रेफरेंस में देखी गई वो क्या है। तो सबसे अगर इन जैसे यहाँ पर 3 दिए हुए हैं 9th, 10th और 11th प्लान, तो जैसे 9th में ग्रोथ रेट जो है 5.5% के आसपास, 10th में 7.7 और 11th में 7.9, तो इसको ही चुनेंगे हम। उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों को चुनना है, तो बुक्सा माहीगीर खरवार सहरिया ये सभी पाई जाती हैं, डी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताइए कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी उत्तर प्रदेश की, कमेंट करिए जरा इसको। नेक्स्ट है मालमिस ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो ये इसमें लक्षद्वीप से संबंधित है, यहाँ पे इनकी उपस्थिति होती है। कुछ कोल फील्ड्स के बारे में पूछा जाता है, उसी में से एक है तंदूर, ये कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है ये। बिहार राज्य में सोनपुर पशु मेला आयोजित होता है, तो महीना बताना है, तो हिंदू कैलेंडर जो देखते हैं आप इसके जो है इसमें कार्तिक महीने में। नेक्स्ट है बनेश्वर मेला जो कि एक वार्षिक जनजाति मेला है ना, ट्राइबल फेयर, तो डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, तो डूंगरपुर कहाँ पे है, ये राजस्थान में। माँ वैष्णो देवी का प्रमुख मंदिर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये जो प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है कौन सी उस पर स्थित है, तो आप जानते हैं कि वैष्णो देवी जी का मंदिर जो है जैसे पहाड़ की चोटी पर है, तो ये त्रिकुटा पर्वत है। इसमें से कौन सा हिल स्टेशन पालनी हिल्स पे स्थित है, तो ये बात हो रही है कोडाई कनाल की जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और पॉपुलरली इसको जो है कई बार प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, कई बार इस प्रकार से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो वाटर शेयरिंग के रेफरेंस में पहले बताया है कि जो है ट्राइब्यूनल्स है ना गठित की गई हैं कई सारी, तो उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो है जनवरी 2018 में ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने जो है पिटीशन किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जनवरी 2018 में ये ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। कर्नाटक राज्य निम्नलिखित में से किस जल विवाद का पक्षकार नहीं है, तो जो भी यहाँ पे ये वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें से ये जो हो जाएगा वंशधारा का। ठीक है, वंशधारा की बात करें तो इसमें जो पार्टीज़ हैं इसमें आपका ये ओडिशा और आंध्रा। ठीक है, इसमें सही कथन देखना है, 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की इन 80 में से कहा गया है कि 14 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं ऐसे प्रत्याशियों के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं, तो ये गलत है, 14 नहीं है 17 हैं। ठीक, और तीसरे में है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो ये बात ठीक है, तो सिर्फ पहला और तीसरा को चुनेंगे। इसमें देखें भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, तो रीजनल काउंसिल्स की बात हो रही है,
ये परिषदें भारतीय संघीय प्रणाली के उपसंघीय लिंक के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में स्टेट और यूनियन के रिलेशंस में, तो उसी के एक यूनिट के लिए, यूनिट के रूप में कह लीजिए काम करती है। तो यहाँ पे खैर ये जो है ऐसा समझिए कि हमारे रीजनल काउंसिल्स की परिभाषा जो होती कैसे हो सकती है उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट हैं, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। और ये परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो दोनों बातें ठीक है, रीजनल काउंसिल को सेटअप करने का मतलब यही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में और पढ़िए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, तो इनकी संख्या हो जाएगी कुल 3, ठीक। कौन कौन सी? दिल्ली से जो है आपका 3 सदस्य आते हैं, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, ठीक है। अब ये यूटी बन गया है ना। आगे देखिए, दो स्टेटमेंट फिर से हैं, सही कथन देखते हैं। पहला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से वो अपनी एनर्जी है ना, जो फूड है उनका प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये उनके प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में पत्तियों और तनों में होता है, और ये क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिकतम होती है, तो फोटोसिंथेसिस देखेंगे मैक्सिमम, मतलब ऐसे समझिए इसको कि जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या है कि सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करते हैं, ठीक है, पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो जिसमें वायलेट ब्लू और रेड कलर जो है ये एब्जॉर्ब होता है मोस्टली, और इसी में रेड कलर जो है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा फैक्चुअल है, ऑप्शन इसमें जो है विकल्प ए इसको चुनेंगे। अब इसमें जड़ों के समूह का चयन करना है, कुछ खाने वाली हमारे पास चीज़ें हैं और खाने योग्य जो भाग होता है उसको किस रूप में क्लासिफाई किया जाता है, ये लिस्टिंग जरूरी है पढ़ना आपको। तो उसी क्रम में जो जड़ के एग्जांपल हैं जैसे गाजर, चुकंदर, मूली और जैसे क्या हो गया आपका शकरकंद है ना, ये सब आपके जो है जड़ के एग्जाम्पल हो गए। और वहीं जैसे कई बार तने का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो क्या हो गया हल्दी है ना, आलू, इसके अलावा अदरक है ना, इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। परागण क्या होता है यानी कि पॉलिनेशन, तो प्लांट्स के रेफरेंस में बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं उनके मध्य जो परागकण है तो उसका परागकोष से पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, देखिए ये यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे, प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं उसकी इमेज एक बार सर्च करिएगा, ठीक है, उसके रेफरेंस में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प फिलहाल ए को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के वृद्धि हार्मोन है, जैसे मनुष्यों के रेफरेंस में आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, वैसे ही प्लांट में हम अगर देखें तो ऑक्सिन, ये गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये सारे के सारे जो है उनकी ग्रोथ से ही संबंधित है। तो इन चारों का नाम ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी इनको पूछा जा सकता है। पौधे का एक भाग है फ्लोएम, ठीक है, इसके बारे में सही कथन देखना है। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों का परिवहन करता है, तो बेसिकली जो फ्लोएम का पार्ट है ये जो कह लीजिए सॉल्यूबल कंटेंट है इसके फ्लो के रेफरेंस में कार्य करता है प्लांट्स के अंदर। देखिए इनको बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, ऐसे ही बस छोटा छोटा फैक्चुअल चीज़ पूछा जाता है जो यहाँ पे कवर करवा दिया जा रहा है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट इस बारे में ठीक है कि जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए यूज़ हो जाता है और पौधे को सहारा देते हैं ये, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये जाइलम जो कंपोनेंट होता है, ठीक, उसके माध्यम से जो स्ट्रेंथनिंग कह लीजिए या स्ट्रेंथ आती है पौधों में, तो सिर्फ पहले को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से किस पौधे की बीमारी को रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो जैसे आपने मनुष्यों में एक रिंग वॉर्म सुना होगा है ना, तो उसी क्रम में यहाँ पे एक वैसा ही मिलता जुलता नाम है रिंग डिजीज़। तो ये आलू की जो फसल होती है ना, उसमें बीमारी होती है विल्ट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसी को रिंग डिजीज़ कहा जाता है। ये बेसिकली कभी आप उसका आलू का पेड़ देखिए तो उसका जो ये होती है ना पत्तियाँ उस पर ऐसे कहीं कहीं पर ब्राउन जैसा हो जाता है, ठीक है, वही है रिंग डिजीज़ या विल्ट ऑफ पोटैटो। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है,
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है ऐसी टेक्निक्स को जिसमें जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए जो होते हैं उनमें कुछ चेंजेस करके है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे जीन रिवोल्यूशन जो टर्म है ये बेसिकली इसमें कह सकते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल होगी। ये जीन रिवोल्यूशन क्या होता है कि ये इसका एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, फूड के प्रोडक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे हम। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो बायोमेट्रिक में जैसे ये फिंगरप्रिंट्स का निशान लिया जाता है, ठीक, और उसके अलावा आँखों के रेफरेंस में आइरिस को स्कैन कर सकते हैं, है ना, रेटिना को स्कैन कर सकते हैं, आपकी आवाज़ को, है ना, जो वॉइस डिटेक्शन होता है उसके माध्यम से इसको जो है बायोमेट्रिक पहचान में यूज़ किया जा सकता है। इसमें देखें किसको क्लोनिंग का जनक माना जाता है, फादर ऑफ क्लोनिंग। तो एक जीव के सोमैटिक सेल्स को यूज़ करके, है ना, उसको जो है विद इन लैब एक नया मतलब वही जीव आगे डेवलप किया जाना, क्लोनिंग के रेफरेंस में आप जानते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो है ये इयान विल्मट और इनके कुछ फ्रेंड्स ने अराउंड 1996 में पहली जो सफल क्लोनिंग कह लीजिए, है ना, उसको कंडक्ट की थी। तो यहाँ पे इनको ये नाम दिया जाता है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है बैगन का आनुवंशिक रूप से इंजीनियर रूप जिसे बीटी बैगन के रूप में जाना जाता है, इसको निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ विकसित किया गया था। तो जेनेटिकली जो है इंजीनियरिंग करके जो है बैगन में एक बीटी ब्रिंजल जो किस्म डेवलप की गई, तो इसको जो है कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट, मुख्य रूप से इस उद्देश्य के साथ इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है, तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। केमिकल फॉर्मूला भी याद रखा करिए, कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक, इनके जो यूसेज हो सकते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला उसका होता है K2CO3। ठीक है, तो यह अकार्बनिक यौगिक और एक सफ़ेद सॉल्ट है जो पानी में घुल जाता है और मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है कांच और साबुन के उत्पादन में किया जाता है। तो दोनों बातें ठीक हैं, जो है इसी को ये पर्ल ऐश भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनके जो सामान्य नाम हैं जो हम आप ऐसे बोलचाल की भाषा में या अक्सर पढ़ने लिखने वाली भाषा में कह लीजिए जानते हैं, तो उसी रेफरेंस में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड ड्राई आइस के लिए लिखा है। ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है, सॉलिड CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मोनो नहीं होगा। फिर से कुछ हमारे पास पेयर हैं और इसमें गलत वाले को देखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों गलत हैं। यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ठीक है, ये टर्म अगर कभी मिले तो ये किससे संबंधित है, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अब इसमें हमारे पास ग्लास के कुछ टाइप्स हैं, तो किसको सिलिका ग्लास के नाम से जानते हैं, तो ये बेसिकली आपका ये है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, बी विकल्प। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ये मुख्य रूप से इससे बना होता है, और जैसे कंटेनर या जो केमिकल लैब के कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको बनाने में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया, यानी कि जो कैंसर के बारे में शायद हमने पहले बताया था आपको, एक्सेस ऑफ WBC, तो उसके उपचार में किस रेडियो संस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो रेडिएशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ना जो है वो कीमोथेरेपी वगैरह में, तो यहाँ पे कुछ रेडियो आइसोटोप्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसमें, तो कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है, है ना, ल्यूकीमिया में। इसमें देखिए साबुन के बारे में गलत कथन को देखना है, साबुन यानी कि सोप, है ना, यहाँ तीन स्टेटमेंट है, तीनों को पढ़ लीजिए, तीनों ही ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है, तो बेसिकली जो महिलाएं सिंदूर यूज़ करती हैं ना उसको आप ये कह सकते हैं मरकरी सल्फाइड और रेड लेड, ठीक, इनको यूज़ करके बनता है ये, जैसे PB3SO, नहीं
Pb3O4 होता है, ठीक है, रेड लेड, और ये HgS होता है, मरकरी सल्फाइड, ठीक। तो इनका एक मिश्रण होता है सिंदूर। निम्नलिखित में से कौन से ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो एनिमल्स के दो टाइप पढ़ेंगे आप, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो डिफरेंस ये होता है कि कोल्ड ब्लड के जो एनिमल हैं, ये अपना बॉडी का इंटरनल बॉडी जो कह लीजिए टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट नहीं कर पाते जो बाहर का वातावरण अगर चेंज होता है तब, ठीक। तो और वहीं विपरीत में जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें कछुआ, मछली, सांप, मेंढक, छिपकली, यहाँ पे सारे ही कोल्ड ब्लड वाले हैं। बेसिकली रेप्टाइल, फिश है ना, इंसेक्ट्स जो भी मोस्टली हैं, ये सब कोल्ड ब्लड में आएंगे। वहीं जैसे वार्म ब्लड में ह्यूमन है ना, और कुछ मैमल्स, ये सब चीज़ें। तो सारे विकल्प को चुनेंगे। इसमें से ये बेसिकली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं कुछ, किसको हरी खाद के रूप में उपयोग करने के लिए उगाया जाता है, और यह मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध करता है। तो खाद के रूप में है ना उगाया भी जाता है, और यहाँ पे सॉइल को एनरिच करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस से। तो सनई एक होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आप संबंधित हैं तो जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे समानता बतानी है, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कॉड लिवर और सूरजमुखी, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट में कॉमन सिर्फ ये है कि ये सभी ऑयल हैं, है ना। इसमें जैसे कुछ में अगर विटामिन ए मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बाकी में डी मिलेगा तो बाकी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये बाकी के तीन जो है अलग हो जाएंगे। अलग अलग डिटेल में चाहे तो इन सब के बारे में देख लीजिएगा एक बार। सही कथन देखना है मधुमक्खियों के रेफरेंस में, अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं ये। तो ये बेस्ट टाइम होता है इनके जो अंडे होते हैं उसमें से जो अगली जनरेशन पैदा होने के लिए। और बेसिकली पुष्पों की ओर आकर्षित होती हैं, है ना, जो इनकी ये शहद बनाने की क्रिया होती है उसके क्रम में। तो उसी क्रम में है कि लीची के जो लीची फ्रूट जो होता है उसके फूलों की ओर भी आकर्षित होती हैं। तो ये बात भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को चुनेंगे, है ना। तो जैसे एक दो चीज़ें और हैं कि जैसे तीन प्रकार का मतलब कोई क्लस्टर होगा हनी बीज का, तो उसमें तीन प्रकार के जो है ये मतलब मधुमक्खियाँ पाई जाएंगी, जैसे क्वीन बी होती है एक, फिर एक मेल बी, और तीसरा जो है वर्कर बी, है ना। तो मुख्य रूप से जैसे ये कलेक्शन का काम करते हैं। तो ऐसे ये खैर बहुत डिटेल है, इतना बेसिक जानते रहिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलिए समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखिएगा डिटेल में, और जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसको कमेंट करिए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।